मैं सभी तो कि आज पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून के कायद हमारे साथ के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जिस नजरिए के साथ लेके आगे जा रहे हैं और उस नजरिया के ना होने की वजह से जो पीछे 70 साल से ज्यादा का अरसा पाकिस्तान को उस वक्त से गुजरना पड़ा, वो नजरिया ना होने की वजह से आज उसी वजह से पाकिस्तान इन मुश्किलात में मुब्तला है जिसका जिक्र अभी मेरे साथियों ने किया। और ये किसी से भी डटी छुपी कोई बात नहीं है। इन हालात के पीछे कौन सी कुत्ते का असर घाल होती है, गरकार होती है, बेकार होती है और कैसे ये सारे मामला होते हैं और आज उनके इन फैसलों की वजह से पाकिस्तान के जो हालात है उससे तौर पे मैं महंगाई की बात करूं, बुरी हुक्मरानी की बात करूं, करप्शन की बात करूं, तो मेरा किसी से भी डटी छुपी बात नहीं। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक प्रोग्राम के तहत जिसका जिक्र आसिफ साहब ने भी किया, पिछले 4 साल एक मुंतखब वजीर आजम जो तीसरी दफा पाकिस्तान की तारीख में तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना था उसके खिलाफ जो 4 साल से साजिशें हुई और उस वक्त भी हुई जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मौजूद था, उस वक्त जिस तरह हाल किया गया वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट में और कुछ जेआईटी के नाम पे एक इंक्वायरी कमेटी बना के वो आपके सामने सारी बात और आज वो बातें सारी सामने जो शबाद आपके जेहन में थे कि नवाज शरीफ साहब को जिस एक साजिश के तहत निकाला गया है और एक बेबुनियाद मुकदमात बनाकर सियासत से मुस्लिम लीग नून और उनके कायदीन को निकालने की कोशिश की गई, वो आज कुकोशमार एक मुसलमा हकीकत के तौर पे सामने आ रहे हैं जिसका भी राणा सनावला साहब ने बाबे रहमते का जिक्र किया। उनकी टेपें आ रही हैं, उनकी बयान ना आ रहे हैं और कुछ जज से बांध के हफिया बयान आ रहे हैं। ये तमाम चीजें उन कुकोशमार को तकलीफ देती हैं, वो साजिश को जो 22 करोड़ अवाम के दिनों में आ दिनों में आ। मैं समझता हूँ कि वो जो नजरिया हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब लेके चले हैं वो पाकिस्तान का नजरिया है, यहाँ एक नईम की हुक्मरानी का नजरिया है, एक आम आदमी के वोट की बुकत और इज्जत का नजरिया है जिसका भी नारे भी लगाए गए वोट को इज्जत हो। उसका मकसद यही है कि जिसको आप वोट दें और अल्लाह ताला के बाद हक हुक्मरानी सिर्फ हक खुदा के पास है, किसी के पास नहीं है। जिसको हक खुदा चाहे वही हुक्मरान हो सकता है, यही हमारा मजहब कहता है, यही हमारा आईन कहता है, यही दुनिया में मुसलमान जो एक असूल है हुक्मरानी के वो कहते हैं। मैं समझता हूँ आज जिस जंगोजेब में मुस्लिम लीग नून और उनके कायदीन और हमारे कायद नवाज शरीफ साहब लगे हुए हैं, जिसके लिए पहले भी उन्होंने जवाब अखलियां काटी और आज भी जिस अंदाज में वो मुल्क से बाहर उनको रखा हुआ है लोगों ने, वो भी आपके सामने। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये नजरिया लाकर यहाँ पे हम इसको लाएंगे, इस नजरिया को कामयाब कराएंगे,
जिसकी अभी सरदार गुलाम बाद साहब ने बात की कि पाकिस्तान की पुकार इसी में है कि हम नजरिए समझिए के लिए जदोजहद करते हुए अगर हमें इतनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े हमें देनी है और ये लंबा सफर नहीं है। सरदार साहब आप आज इस काफिले में शामिल हुए हैं, हम आपको इस मुकद्दस जो एक फरीदा हमारा हर शहरी का बनता है उसको अदा करना करने के लिए आप इस काफिले में जो मुस्लिम लीगरों का काफिला है शामिल हुए हैं तो मैं उस पर आपको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन आप उस वक्त शामिल हुए हैं जब ये सफर बड़ा मुफसिल रह गया है, ये अब सफर बहुत थोड़ा रह गया है जिसका ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जिक्र किया। इंशाल्लाह ये मुश्किल हालात ये कठिन फासला खत्म तय होने वाला है। अब जो मेरा राणा सरावला साहब ने कहा था दिल का जाना ठहर गया सुबह गया या शाम क्या, मैं शेरों में इतना मुझे नहीं लेकिन मेरा इसी तरह का कोई शेर है जहाँ ये कह रहे थे कि बड़ा जिला तलीम में बहुत आगे है तो यहाँ तो फिलहाल आदमी को ये शेर आता और मुझसे ज्यादा ही तो इसका जाना ठहर चुका है और इंशाल्लाह यहाँ आपकी खत्म खुदा की हुक्मरानी होगी अल्लाह ताला की फजल से। ये सरदार साहब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि आपके आने से मुस्लिम लीग नून सिर्फ जिला चकवाल में नहीं इंशाल्लाह ओवरऑल मुस्लिम लीग मजबूत होगी अल्लाह ताला की फजल से। आपने जिस जज्बे का इजहार किया है जिस जज्बे के साथ आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद जो हमारे हैं उनके आप सिपाही के तौर पे इस काफिले में शामिल हुए हैं मैं समझता हूँ वो जज्बा बड़ा ही हमें तो सादिक लगता है। अल्लाह ताला के फजल से हम आपको जानते हैं आपके खानदान को जानते हैं आप इंशाल्लाह उसी रिवायत को बरकरार रखेंगे। हम ये सफर इंशाल्लाह मिलकर तय करेंगे और इंशाल्लाह ये जो राज आज यहाँ से हुआ है मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों की एक कामयाबी की उम्मीद। मैं आपको जिला चकवाल के लोगों को आपके साथियों को आपके भाइयों को जो नस्ल दर नस्ल आपके साथ चल रहे हैं उनको इस बहुत ही मुबारक फैसले पे मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसी जज्बे के साथ सारे काम करेंगे जिस जज्बे का इजहार सरदार गुलाम बाद साहब ने किया। बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का और तमाम अफ्रीका जी का बहुत शुक्रिया। दोस्तों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है बड़ा मेहरबानी जी का बहुत शुक्रिया। सही है।